जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कुक विथ अनुसुईया। तो आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर राइस से पकोड़े, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो एक कप हमारे पास ये बचा हुआ चावल है, इसी से हम आज आप लोगों को पकोड़े बनाकर दिखाएंगे। तो चावल को हम एक ग्राइंडर जार में इसे हम ले लेते हैं, और अब हम इसमें 1/4 कप इसमें हम दही ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए, हमने चावल और दही का पेस्ट बना लिए हैं। और अब हम इसमें 1/2 कप इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी से पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ हरी मिर्च और 1/2 कप यहाँ पे ग्रेटेड गाजर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये काफ़ी हेल्दी पकोड़ा हो जाएगा इससे। और 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। तो 1 टीस्पून हम नमक ले रहे हैं। और अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसका हम एक डो बना लेंगे। और ये देखिए, हम डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और अब हम पकोड़े को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गरम कर लिए हैं। और अब हम डो से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हम गरम तेल में हम पकोड़े को डालते जाएंगे। इसी तरह से आप सारे पकोड़े को तेल में छोटे छोटे पोर्शन लेकर आप डाल लें, जैसा कि मैं डाल रही हूँ। और ये पकोड़ा इतना स्वादिष्ट और हेल्दी है कि आप बनाए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये पकोड़ा होता है। तो एक बार ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अब हम क्या करेंगे, सारे पकोड़े को इसी तरह से हम तेल में डाल देंगे और इसे हम एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए, 2-3 मिनट हो गए हैं, पकोड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। इसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, पकोड़ा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है और कुरकुरे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी पकोड़ा बना है। कोई कहेगा कि बचे हुए चावल से इसे हमने बनाया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।